नमस्कार, स्वागत है आपका योग्यता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2024, जिसे आप CMMS एग्जाम के नाम से भी जानते हैं। तो फाइनली इसका डेट आ चुका है, 30 जून को आपका एग्जाम होना है। 30 जून 2024 को डेट नोट कर लीजिए। और इसका जो एडमिट कार्ड है आप 25 जून 2024 से डाउनलोड कर पाएंगे वेबसाइट से। तो अब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो इसका तैयारी आप शुरू कर दीजिए। आपको तैयारी करने के लिए योग्यता ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी चैनल के माध्यम से आप इसका पूरी तैयारी कर पाएंगे। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें कि पूरे झारखंड में कुल 5000 स्टूडेंट के लिए सीट निर्धारित है, यानी 5000 विद्यार्थी को यह स्कॉलरशिप मिल सकता है। इसमें प्रत्येक ज़िले से 400 स्टूडेंट को छात्रवृत्ति मिल सकता है। साथ ही जो स्टूडेंट इसमें पास करेंगे तो उसको 12,000 रुपया करके 4 साल तक जो है मिलता है, यानी टोटल 48,000 रुपया छात्रवृत्ति मिलता है। अगर आपने भी इसका फॉर्म भरा है तो निश्चित रूप से तैयारी स्टार्ट कीजिए, और इसमें अगर आप पास करते हैं तो 48,000 रुपया आपको छात्रवृत्ति मिल सकता है। साथ ही इसमें कंडीशन है कि 9-10-11 में आपको कम से कम जो बोर्ड परीक्षा होगा उसमें 60% अंक लाना अनिवार्य होता है, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलता है। और साथ ही जो स्टूडेंट जो है आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं तो उन्हें छात्रवृत्ति का 50% ही मिलेगा, यानी 48,000 की जगह 24,000 मिलेगा। फिर भी 24,000 कम नहीं होता है, अगर आप पास कर जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो आकांक्षा एग्ज़ाम होता है झारखंड में, अगर आप उसमें एडमिशन करवाते हैं तो भी आपको 50% राशि इसका मिलता है। तो काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप है, आप लोग इसका लाभ ज़रूर उठाइए, तैयारी कीजिए। यहाँ पर देखिए 30% सीट जो है बालिकाओं यानी लड़की के लिए आरक्षित है, तो अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए और बेहतर है। तो इसमें बता दें कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना क्वेश्चन किस विषय से पूछा जाएगा, ताकि आप बेहतर तैयारी कर पाए। तो यहाँ पर देखिए आपको बता दें कि इसमें दो पेपर होते हैं, मैट और दूसरा होता है सेट। तो किस में कितना क्वेश्चन पूछेगा चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैट में समझिए, मैट में आपको रीजनिंग पूछेगा, ठीक है। रीजनिंग कितने क्वेश्चन पूछेंगे, रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग आपको सीखना है। आपको इंग्लिश से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाएगा। इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर से पूछा जाएगा, हिंदी में हिंदी ग्रामर से। तो 30 क्वेश्चन हिंदी से और 30 क्वेश्चन इंग्लिश से, ठीक है। और 30 क्वेश्चन हो गया रीजनिंग से, और इसके बाद ये हो गया 90 क्वेश्चन टोटल मैट पेपर का। अब सेट पेपर में आपको जो है 30 क्वेश्चन गणित से पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन सोशल साइंस से, और 30 क्वेश्चन जो है साइंस से पूछा जाएगा। तीनों मिला करके 90 क्वेश्चन सेट पेपर में पूछा जाएगा। तो इस तरह से आप तैयारी स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ सारा जानकारी, तो इसमें जो है पास करने के लिए जो है 40% लाना होगा OBC और जनरल वाले को, ठीक है। और SC ST के छात्रों को 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। इससे कम अगर आपको अंक आता है तो चयन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप है। अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द से जल्द जो भी वीडियो आता है तो उसको देखिए और आप प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।